फिर एक पॉइंट कट गया, मतलब दो पॉइंट कट गया और साथ में पेनल्टी लगा 3500 का। अभी मेरे पास 10 पॉइंट है और पूरा एक। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और आज मेरी क्लास है दूर में क्लब में, तो आज मैं कार से जाऊंगा क्लब और मैं 1 घंटे पहले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वर्कआउट भी करना होगा, उसके बाद मैं क्लास लूंगा फिर घर आऊंगा। घर आने के बाद मैं आज लंच में बहुत ही स्पेशल डिश बनाने वाला हूँ जिसे देखकर और आप लोग सीख भी सकते हैं और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मज़ा आएगा उसे खाने में, बहुत ही यमी बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो बिना लेट किए हुए चलते हैं, ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। गाइस सुबह सुबह यहाँ पर काफ़ी जाम रहता है क्योंकि सब कोई अपने काम पे जाते हैं तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहता है सुबह और बेसिकली शाम में 6:30 बजे बहुत जाम, इसलिए मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ बाइक से जाना अगर आमने सामने जाना रहता है तो। जब मेरी क्लासेस दूर रहती है तब मैं कार से जाता हूँ। और एक दूसरा रीज़न भी है कार बहुत कम चलाने का, क्योंकि एक तो टाइम नहीं मिलता है क्लास से, संडे वनडे को हम लोग निकलते हैं कहीं पर और यहाँ पर नियम बहुत फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे 2 लाइन बना रहेगा रोड में, अगर लाइन क्रॉस कर दिए तो आपका 1 पॉइंट कट जाएगा। साल भर में आपको जैसा मैंने बताया आपको पिछले ब्लॉग में 12 पॉइंट मिलता है, लास्ट मंथ ही मेरा 2 पॉइंट कटा है क्योंकि एक तो मैंने लाइन ब्रेक कर दिया था, चलते चलते हल्का सा बस ओवरटेक करके लाइन ब्रेक किया था तो 1 पॉइंट कट गया था। और एक जो ट्रैफिक रेड सिग्नल था मैं गाड़ी रोक दिया था, लेकिन गाड़ी रुका जेब्रा क्रॉसिंग के थोड़ा सा टच हो गया था जेब्रा क्रॉसिंग से, तो उसका फिर 1 पॉइंट कट गया, मतलब 2 पॉइंट कट गया और साथ में पेनल्टी लगा 3500 का। अभी मेरे पास 10 पॉइंट है और पूरा 1 साल तक इसे चलाना है, अगले साल फिर से वो 12 पॉइंट हो जाएगा और रिन्यू हो जाएगा। तो गाइस पहुंच गए अपने क्लब के पास, अब चलते हैं फटाक से रेडी होते हैं जिम के लिए और करते हैं अपना क्लास चालू उसके बाद। तो गाइस फाइनली मेरा सुबह का जिम और क्लास फिनिश हो गया। मैं हर व्लॉग में आप लोगों को सुबह का जिम और क्लास दिखाता हूँ तो आज मैं ये नहीं दिखाया, आज मैं डायरेक्टली फिनिश कर लिया और अभी मैं शावर ले लिया हूँ, रेडी हो गया हूँ, घर जाता हूँ। जो लंच मैंने बताया था आप लोगों को प्रिपेयर करने वाला हूँ वो आज बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाता हूँ। फाइनली मैं घर पे आ गया और अभी अभी तुरंत कपड़ा डाला हूँ सूखने के लिए जो धोने डाला था और अब फटाक से चलते हैं खाना बनाते हैं। तो गाइस यहाँ है मशरूम, अभी अदरक मैं छील रहा हूँ और यहाँ है येलो कैप्सिकम, यह है मशरूम टमाटर येलो कैप्सिकम मिला के अभी बाद में इसके ऊपर में अंडा डालेंगे। इसके साथ आप कुछ भी खा सकते हैं, ब्रेड चावल कुछ भी। तो गाइस देखिए क्या अच्छा रंग निखर के आया है। ये देखिए गाइस अभी भी अंडा अंदर से अपने हीट पे पक रहा है। तो गाइस ये है साग नॉर्मल, बस पानी में बॉयल करके और लहसुन डाल दिया गया है और ये मैंने लिया था चिकन ब्रेस्ट जो कि बस काली मिर्च और बिना कोई तेल का फ्राई किया हुआ है, मशरूम स्पिनच चावल और ये टमाटर, पूरा का पूरा में कोई कैलोरी नहीं है। तो गाइस लेते हैं पहला बाइट ब्रेड के साथ। आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना अच्छा अंडा का एक योक निकल रहा है। तो गाइस खाना पीना हो गया और मैं थोड़ी देर सो गया था और अभी मैं जा रहा हूँ अपने इवनिंग वाले क्लास के लिए। अभी एक मेरी मेंबर आई है वो मेरे को लेने के लिए, तो फटाक से चलते हैं, वो वहाँ पे वेट कर रही है मेरा। ओहो ओ बस आ गया, निहाओ। एक क्लास हो गई मेरी ख़त्म और अभी है लास्ट क्लास, तो बीच में 5 मिनट का ब्रेक है तो मैं केला खा ले रहा हूँ। थकान बहुत होता है क्योंकि स्वेटिंग बहुत होता है, केला से ये फायदा है कि पेट तुरंत भरा लगेगा अगर केला खाने के बाद पानी पी लो और इंस्टेंट एनर्जी आता है।
तो गाइस फाइनली हो गया मेरा सारा क्लास आज का खत्म। काफी थक गया हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा टी शर्ट भींग गया पसीना से। फटाक से सार लेता हूँ और उसके बाद जाऊंगा घर। और डिनर तो बना हुआ है, जो सुबह मैं बनाया था, आप लोगों को दिखाया था, वही खाऊंगा क्योंकि मैं सुबह में ज्यादा बना लिया था। मैं आ गया घर पे। अभी अभी वो जो मेंबर मेरे को पिकअप की थी वो अभी घर पे छोड़ी है। अभी मुझे कुछ लेना है हैप्पी मार्ट से, यहाँ से। ये मेरे घर के नीचे ही 24 घंटे खुले रहता है, तो लेता हूँ। फटाक से ऊपर चलता हूँ, कपड़े धोने के लिए डालना है और फिर डिनर भी करना है। तो गाइस घर पे तो मैं आ गया, डालता हूँ कपड़े धोने के लिए। जो आज की कपड़े थे सारे को धोने के लिए डाल दिया है। अब फटाक से करते हैं डिनर क्योंकि मुझे काफी जोरों की भूख भी लगी है। तो गाइस फाइनली खाना गरम हो गया और ये रहा मेरा खाना, राइस और वो जो मैंने साग टाइप का बनाया था, कुछ वेजिटेबल, अफ्रीकन एग, टोस्ट और साथ में कुछ फ्रूट्स। और मुझे काफ़ी ज़ोर की भूख लगी है तो फटाक से चालू करते हैं खाना। ये ब्रेड में 0 कोलेस्ट्रॉल है, मीठा भी नहीं, कुछ नहीं, और प्योर व्हीट का बना हुआ है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो घर, पे बनाने का। बहुत इजी है, बहुत स्वादिष्ट है और बहुत हेल्थी है। तो गाइस आज मैं काफ़ी थक गया था, लास्ट क्लास के बाद मेरा माथा दर्द दे रहा था, तो खाना खाने के बाद अभी मैं बेडरूम में आ गया हूँ और सोने जा रहा हूँ क्योंकि कल सुबह फिर से मेरी सुबह में क्लास है अर्ली मॉर्निंग। तो करते इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। टिल देन लव यू ऑल, पीस आउट, बाय। जय हिंद, जय भारत।